लोगों का डिजिटल पब्लिक स्कूल में स्वागत है। और आज मैं आज एक नया टॉपिक के साथ आया हूँ, बहुत ही सरल और आसान भाषा में बताने जा रहा हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है कीट विज्ञान। कीट विज्ञान का मतलब होता है इंट्रोमोलॉजी, अंग्रेजी में क्या होता है इंट्रोमोलॉजी। तो इंट्रोमोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा के इंट्रोमो और लॉजिस से बना है, जिसका अर्थ है इंसेक्ट कीट और नॉलेज मतलब ज्ञान। कीट विज्ञान इंट्रोमोलॉजी शब्दों से ग्रीक भाषा से लिया गया है। कहां से लिया गया है? ग्रीक भाषा से लिया गया है और इसको दो शब्दों से लिया गया है, इंट्रोमो और लॉजिस। तो जिसका अर्थ है इंसेक्ट कीट और नॉलेज का मतलब ज्ञान है। कीट जंतु जगत के आर्थोपेडा समुदाय के अंतर्गत आता है। जैसे कार्डेटा होता है, नॉन कार्डेटा होता है, आर्थोपेडा होता है, उसी प्रकार आर्थोपेडा ये समुदाय के अंतर्गत आता है। पीएटी का पहला क्वेश्चन, कीट कौन से समुदाय के अंतर्गत आता है? तो आर्थोपेडा समुदाय के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं, इनका शरीर काइटिन के बाह्य कंकाल से ढका रहता है। किसे ढका रहता है? काइटिन, ठीक। काइटिन को मार्किंग करो। काइटिन के बाह्य कंकाल से ढका रहता है और इनके शरीर कितने भागों में बटा रहता है? तो तीन भागों में बटा रहता है। कितने भागों में बटा रहता है? तीन भागों में। तो आइए फिर से देखते हैं, कीट विज्ञान को इंट्रोमोलॉजी कहा जाता है, जो ग्रीक भाषा ग्रीक शब्द, ठीक, इंट्रोमोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा के इंटोमो और लॉजिस, जिसका अर्थ इंसेक्ट मतलब कीट हो गया और नॉलेज का मतलब ज्ञान हो गया। क्या हो गया? ज्ञान हो गया। कीट जंतु जगत के आर्थोपेडा समुदाय के अंतर्गत आता है। कौन सा समुदाय के अंतर्गत आता है? आर्थोपेडा समुदाय के अंतर्गत आता है। इनका शरीर काइटिन के बाह्य कंकाल से ढका रहता है। इनका शरीर किससे ढका रहता है? काइटिन के बाह्य कंकाल से ढका रहता है। शरीर कीटों के शरीर तीन भागों में बटा होता है। कितने भागों में बटा होता है? तीन भागों में बटा होता है। पहला होता है हेड, तीसरा दूसरा होता है थोराक्स और तीसरा होता है एब्डोमेन, ठीक है। तो इनका शरीर कितने भागों में बटा होता है? तीन भागों में बटा होता है। कीटों का शरीर तीन भागों में बटा होता है। कितने भागों में बटा होता है? तीन भागों में बटा होता है। और इनका उदर 7 से 12 खंडों में बटा होता है। इनका उदर कितने खंडों में बटा होता है? 7 से 12 खंडों में बटा होता है। तो इस प्रकार से कीट हुआ। अब इसका एक और चीज, कीटों के रक्त के बारे में जानते हैं। कीटों के रक्त में आरबीसी रेड ब्लड सेल्स नहीं पाया जाता है, इसलिए इनका रक्त पीलापन लिए हुए हरा रंग का दिखाई देता है। पीलापन लिए हुए हरा रंग का दिखाई देता है। क्या नहीं पाया जाता है? आरबीसी नहीं पाया जाता है। आरबीसी नहीं पाया जाता है, रेड ब्लड सेल्स नहीं पाया जाता है, उपस्थित नहीं होता है, इसलिए इनका रक्त पीलापन लिए हुए हरा रंग का दिखाई देता है। ये हुआ कीट के बारे में जानकारी, ठीक है। क्या हुआ? एक कीट क्या है, कीट कैसे होता है, तो उसके बारे में जानकारी हुआ कि कीट विज्ञान इंट्रोमोलॉजी से संबंधित है और इंट्रोमोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा के इंट्रोमो और लॉजी से लिया गया है, जिसका अर्थ है इंसेक्ट का मतलब कीट हुआ और नॉलेज का मतलब ज्ञान हुआ। कीट जंतु जगत के आर्थोपेडा समुदाय के अंतर्गत आता है, ठीक। इनका शरीर काइटिन के बाह्य कंकाल से ढका रहता है। शरीर इनके तीन भागों में बटा है। पहला है हेड, थायरॉक्स और एब्डोमेन। इनका उदर 7 से 12 खंडों में बटा होता है। इनका जो पेट वाली भाग होती है, पीछे वाली भाग होता है, वो 7 से 12 खंडों में बटा होता है। तो कीटों में रक्त आरबीसी रेड ब्लड सेल्स नहीं पाया जाता है, जिसके चलते कीटों का रक्त पीलापन लिए हुए हरा रंग की दिखाई देता है। ये होता है हमारा कीट का जो बनावट है, कीट को कौन से कुल में रखा गया है, कीट का क्या विशेषताएं है, कीट कैसे होता है, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी। अब हम आते हैं कीटों का वर्गीकरण। वर्गीकरण कैसे करते हैं? जैसे आपने देखा होगा, जैसे बच्चे बहुत सारे एक स्कूल में रहते हैं, विद्यालय में बहुत सारे बच्चे रहते हैं, तो उसका वर्गीकरण करते हैं। कैसे वर्गीकरण करते हैं? कि
क्लास वन वाले क्लास वन में बैठेगा, क्लास टू वाले क्लास टू में बैठेगा। तो ये क्या है, वर्गीकरण है। तो उसी प्रकार से यहां पर भी हम कीटों का वर्गीकरण करते हैं। बेधक कीट पहला होता है। बेधक कीट का मतलब तना और फल में छेद करते हैं और उसके नुकसान पहुंचाता है। तना और फल में छेद करते हैं और उसको नुकसान पहुंचाता है, उसको बोला जाता है तना बेधक कीट। क्या बोला जाएगा, तना बेधक कीट बोला जाएगा। दूसरा हमारा है रसा चूसक। रसा चूसक इस शब्दों से अर्थ क्लियर हो रहा है, रसा को चूसने वाला। तो किसका रस को चूसेगा, तो जैसे कोमल पत्तियां तना फूल का रस चूसने वाला कीट होता है। अब ऐसा कीट जो फूल का रस पेटी में रस चूसने वाला कीट, एफिड, थ्रिप्स, जेसिड और मिलीबग। तो इस प्रकार से रसा चूसक कीट है। अब आते हैं भक्षी कीट। भक्षी कीट का तात्पर्य है भक्षण करना, और भक्षण का मतलब है खाना, और खाना है तो कीट, खाने वाला कीट। भक्षी कीट मतलब खाने वाला कीट। इस तरह की कीट पत्ती तना फूल खाते हैं, और जो भक्षी कीट है पत्ती तना और फूल को खाते हैं। और इस प्रकार से इसका जो भक्षी कीट है, पीएटी का क्वेश्चन है आपका भक्षी कीट चेपर ग्रास हापर, चेपर ग्रास और हापर। अब आते हैं मिलीबग, रस चूसता है और रोग फैलाता है। मिलीबग ऐसा है कि रस चूसता है और रोग को फैलाता है, एक दूसरे में जाके फैल जाता है, इस प्रकार है। संग्रहण कीट, संग्रहण का मतलब क्या होता है, भंडारण, और भंडारण का मतलब क्या होता है, किसी वस्तु को, फल को, सब्जी को एक स्थान पर भंडारित करके रखते हैं ताकि कुछ समय बाद उसको बेचा जा सके या उसको उपयोग में लाया जा सके। तो भंडारण में जो संग्रहण में जो संग्रहण करने पर जो कीट नुकसान पहुंचाता है उसको क्या बोला जाएगा, संग्रहण कीट बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, संग्रहण कीट बोला जाएगा। तो इस कीट का नाम है राइस मोथ और राइस विपिल। ठीक, अब आते हैं हम दीमक या अन्य चींटियां। दीमक या अन्य चींटियां क्या होता है, दीमक धीरे धीरे ऊपर से जैसे पौधा होता है, पौधे के नीचे 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 खोलते जाएगा, फिर उसको क्या बोलते हैं, मिट्टी को ऊपर की ओर लाते जाएगा और उस पौधे को पूरा खा देगा और उसके ऊपर में मिट्टी को पूरा ढक देगा, तो उसको बोला जाएगा दीमक या अन्य चींटियां जो कि वृक्ष और पौधे को खाता है, जो कि वृक्ष और पौधे को क्या करता है, खाता है। ये हो गया हमारा दीमक। ठीक है, अब आते हैं काटने वाला कीट। काटने वाला कीट का मतलब जो तने को काटता है, जो तने को क्या करता है, काटता है, जिसको कटुआ कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, कटुआ कहते हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये कीट नियंत्रण की प्रमुख विधियां, कीट नियंत्रण की प्रमुख विधियां कितने हैं, तो यहां पर देखते हैं चार है। कीट नियंत्रण कितने विधियां हैं, चार है। तो नियंत्रण का तात्पर्य क्या है, जो फसलों को कीटों से बचाने का जो उपाय किया जाए वो क्या कहलाएगा, कीट नियंत्रण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कीट नियंत्रण कहलाएगा। तो कृषक विधियां, भौतिक विधियां, जैविक विधियां, रासायनिक विधियां, इस प्रकार से हमारे पास चार विधियां हैं। चार विधियां में से हम पहला पढ़ते हैं खेत में सस्यावेशो नष्ट करना। सस्यावेशो का मतलब क्या है, सस्यावशेषो का मतलब क्या है, सस्यावशेषो का मतलब होगा कि जैसे हम किसी फसल को, धान को ही काटते हैं, क्या करते हैं, धान को काटते हैं तो उसके नीचे में जो ठूट छोड़ दिया जाता है तो उसमें कीट जो है उसमें पनपता है, लार्वा उसका अंडा उसमें क्या होता है, उसमें पनपते रहता है। तो आने वाला जब हम खेती करते हैं तो वो कीट हमारा फसल को नुकसान पहुंचाता है। खेत में सस्यावेशों को नष्ट करना, जो खेत में धान काटने के बाद जो छोटा छोटा बच जाता है ठूट, जिसको भी नष्ट करना है, अदरवाइज उसमें क्या होगा, फिर कीट उसमें सर्वाइवल करेगा। ठीक है, और खेत में एक दूसरे फिर जाएगा, इस प्रकार से वो नुकसान पहुंचाएगा। तो ये हुआ सस्यावेशो नष्ट करना। खरपतवारों को नष्ट करना, खरपतवारों को नष्ट करने से क्या होगा, खरपतवार को पूरी तरह से नष्ट करना। जैसे खेत में है खरपतवार, तो खरपतवार को खेत का तो फील्ड का तो कर दिए, जैसे यहाँ पर ये फील्ड है हमारा, अब यहाँ जो कचरा है उसको तो निकाल दिए, लेकिन जो मेड़ की जो कचरा है उसको भी निकालना है। किसको निकालना है, मेड़ का भी कचरा को निकालना है, अदरवाइज उसमें क्या होगा, मेड़ में जो कचरा रहेगा उसमें भी कीट पतंगे छिपे रहते हैं, जिसके माध्यम से अपना जीवन यापन करते हैं, और जैसे हम फसल की बुआई करेंगे तो उसको साथ में सर्वाइवल करके उसको नष्ट करेगा।
तो सिंचाई करना, सिंचाई के माध्यम से, सिंचाई के माध्यम से क्या करते हैं, सिंचाई कर देते हैं, तो जिसमें अंडा है, लार्वा है, वो पानी के माध्यम से नष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से ये होता है सस्य चक्र को अपनाना। और सस्य चक्र यहाँ पे हम देखते हैं पांचवा नंबर हमारा पॉइंट है सस्य चक्र को अपनाना। सस्य चक्र का मतलब क्या है? सस्य चक्र का मतलब है एक ही कुल के पौधे का प्रयोग बार बार नहीं करना चाहिए। जैसे हम आलू लगाए, ठीक है, तो आलू के बाद कुछ और दूसरा पौधा लगाना चाहिए। जैसे चना लगा दिए, आलू के बाद क्या लगा दिए, चना लगा दीजिए। वैसे धान के बाद गेहूं लगा दीजिए। तो इसको क्या बोला जाएगा? सस्य क्रम बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? सस्य क्रम बोला जाएगा। कीट प्रतिरोधी कीटों का प्रयोग करना, जैसे कीट प्रतिरोधी फसलों का प्रयोग करना, कीट प्रतिरोधी फसलों का प्रयोग करना और कीट प्रतिरोधी पौधों का प्रयोग करना, ताकि जैसे कीट लग जाए तो वो पूरी तरह से सुरक्षित रहे हमारा पौधा। तो कैसे है पौधा? कपास में है, कपास में जो कीट लगेगा वो जेसिड होगा। कपास का कीट क्या होगा? जेसिड होगा। और जेसिड के बाद, ठीक है, जेसिड होगा और जेसिड से जो सुरक्षा करने वाली जो प्रजाति, प्रतिरोधी प्रजाति, तो लोही, लक्ष्मी, महानदी, गोदावरी आएगा। उसी प्रकार अरहर में देखते हैं, अरहर में अगर देखेंगे तो एफिड्स का कीट होता है। इसमें अरहर में जो लगने वाला कीट है एफिड्स है, और इसको जो मात देने वाला है, जो इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो ऐसा किस्म है पूसा किसान और आरएलएम 541। तीसरा है हमारा चना, फली बेधक कीट होता है जो पूसा 256 और टाथ 3 में होता है। और धान, और धान में है ब्राउन प्लांट के अंतर्गत, जो ब्राउन प्लांट जो कीट है, ब्राउन प्लांट, ठीक है, तो उस कीट से लड़ने वाले कौन से प्रजाति है? तो IR36 और IR50 और प्रताप सारथी। उसके बाद है गाली मिर्च, गाल मिर्च का है, गाल मिर्च कीट का नाम है, और उससे लड़ने वाला हमारा पौधा जातियां हैं प्रताप, शक्ति, सारथी, विक्रम। इसी प्रकार ग्रीन लीफ हॉपर है, और ग्रीन लीफ हॉपर कीट से बचाने के लिए अपने को IR36, IR50 और प्रताप प्रजाति का धान का प्रयोग करना चाहिए। तो ये हुआ हमारा खेत में कृषक विद्या, एग्रोनॉमिकल मेथड हुआ, ठीक है। तो ये समझ में आया होगा। अब आते हैं हम भौतिक विधियां, क्या आते हैं? भौतिक विधियां, मैकेनिकल मेथड। भौतिक विधियां, कीट पतंगों को विविध जीवन अवस्था में एकत्र करके नष्ट करना। जो उसकी जीवन अवस्था चलते रहती है उसमें क्या करना है? उसको इकट्ठा करना है, और इकट्ठा करके उसको नष्ट करना। जैसे इकट्ठा करके नष्ट करने का तात्पर्य क्या है? जैसे डोजर है और कई चीजों से उसको मतलब खेत की जगह को करना है, तो इससे क्या होगा? नष्ट हो जाएगा। खाई खोदना, खाई खोदना का तात्पर्य क्या है? खाई खोदना मतलब खेत के किनारे किनारे, जैसे इस खेत में कीट है और आने दूसरे खेत में नहीं है, तो एक दूसरे के खेत में कीट क्या है? फैलता है। तो खेत के किनारे किनारे, मेड़ के किनारे किनारे में हल्का से नाले टाइप का खाई खोद दिया जाए, और उसमें मिट्टी का तेल या अन्य कुछ भी रासायनिक दवा का प्रयोग करके वहां पे रख देंगे, तो एक जो खाई खोदने से जो कीट है एक दूसरे में सर्वाइवल करता है, तो वो पूरी तरह से नष्ट होगा। ट्रैप का प्रयोग करके, चिपचिपा ट्रैप जैसे आप लोग जानते होंगे चूहा को पकड़ने के लिए करते हैं चिपचिपा ट्रैप का प्रयोग, उसी प्रकार से यहाँ पर फल वाले वृक्षों के लिए किया जाता है। आम के वृक्षों पर मिली बग नामक कीट इस विधि से रोके जा सकते हैं, और इस विधि से आम में जो लगने वाला कीट है उसको रोका जा सकता है, किसके? चिपचिपे ट्रैप से। अब आते हैं प्रकाश आकर्षक ट्रैप। प्रकाश आकर्षक ट्रैप का मतलब यह है कि विभिन्न विभिन्न प्रकार के कीट विभिन्न विभिन्न प्रकाश को आकर्षित करते हैं, की ओर आकर्षित होते हैं। प्रकाश आकर्षक ट्रैप का मतलब हुआ कि विभिन्न विभिन्न प्रकार के कीट विभिन्न प्रकार के प्रकाश में आकर्षित होते हैं, तो इस प्रकाश का प्रयोग करते हैं, और एक पॉलीथीन में किसी जगह पे उसको क्या करते हैं? रख दिया जाता है। तो उसमें क्या है, कीट पतंगे आके इसमें उड़ उड़ के पड़ते जाते हैं उस मिट्टी के तेल वाले पॉलीथीन में या किसी अन्य चीजों में, तो इस प्रकार से उसको रोका जा सकता है। अब हमारे पास बचा जैविक विधियां,
रासायनिक विधियां। रासायनिक विधियां बहुत ही महत्वपूर्ण और अधिकतर उपयोग रासायनिक विधियों का प्रयोग किया जाता है, जैसे मेलाथियन है, मोनोक्रोटो है, इस प्रकार से रासायनिक कीटों का प्रयोग किया जाएगा। और भी बहुत सारे नाम है रासायनिक कीटों का। तो इस प्रकार से हमारा आज हम पढ़े कीट नियंत्रण की प्रमुख विधियां। समझ में आया होगा। हमारे YouTube चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।